हरिद्वार में लैंड जिहाद के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। यहाँ बहादराबाद क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाई गई दो अवैध मजारों को प्रशासन ने ध्वस्त कराया। प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अवैध धार्मिक कब्जों की बात सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी कई सरकारी जमीनों पर हुए धार्मिक अतिक्रमण को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी। जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई करने पहुंचे एसडीएम पूरन सिंह राणा ने यूपी सिंचाई विभाग की पुरानी बिल्डिंग में पिछले 10 से 12 सालों में बनाई गई दो मजारों को ध्वस्त कराया। इस जगह पर मजारों की आड़ में पिछले कुछ सालों से धार्मिक गतिविधियों पर कब्जा किया गया था। मामले में यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है, लिहाजा एसडीएम ने यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। नदीम सलवानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इलीगली रूप से यहाँ पे मजार भी स्टैब्लिश कर दिया इरीगेशन के बिल्डिंग में। तो आज इरीगेशन एक्शन सीईओ प्लस मेरे द्वारा विजिट किया गया, तो जो मजार से जुड़े हुए लोग थे, मौलवी इत्यादि थे, उनसे वार्ता की गई और उनको एक तो प्रॉपरली बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि बिल्डिंग बहुत पुराना है और ये कभी भी गिर सकता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की धार्मिक पॉलिसी है कि धार्मिक स्ट्रक्चर को आप किस तरह से रिमूव करेंगे, और अगर कोई इलीगल रूप से ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश कर दिया गया है जो कि सार्वजनिक प्लेस है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उनसे वार्ता की गई, तो उनके द्वारा अपनी कंसेंट बताई गई और उनके द्वारा जो धार्मिक चीज़ें थी जुड़ी हुई यहाँ पर उसको प्रॉपरली दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया गया है और उन्हीं की कंसेंट से, और बाकी जो बिल्डिंग है उसको रिमूव किया गया। नहीं देखिए, इरीगेशन का एक बिल्डिंग बना हुआ था जो कि 150 साल के आसपास ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट में एक पंचायत चला करती थी।